mistakes that are caused by lack of attention or cause of tension. समझ में आया? क्या समझ में आया? देखिए, मिस्टेक होना नेचुरल है. अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं तो कुछ चीज़ें करने के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस बोलते हैं. लेकिन जो गलतियाँ किसके कारण होती हैं? अटेंशन की कमी के कारण होती है, अलर्टनेस की कमी के कारण होती हैं, तो वही हमारे लिए क्या होता है? हार का रीजन बनती है. वही चीज़ें हमारे लिए क्या बनती हैं? हार का रीजन बनती है. तो इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? सबसे बड़ा मिस्टेक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? चीज़ों को टालना. जैसे आज जो काम है आपका, आज करना है, अरे यार कल ही कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है. तो जो होमवर्क मिला हुआ है आपको, उसे आप करते रहिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसी दिन पूछिए. डाउट मत रखिए. डाउट अगर नहीं रखेंगे, अपना काम करते जाएंगे. आ रहा समझ में? उसके बाद अगर कोई चीज़ें गलती हो जा रही है, बाय नेचुरली कोई गलती हो जा रही है, तो अपने आप को समझिए कि किस चीज़ के कारण ये गलती हो रही है. मिस्टेक होना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मिस्टेक किससे हो जाना? लापरवाही के कारण मिस्टेक हो जाना, वो क्या है? बहुत गलत चीज़. अगर आप लापरवाह हैं तो आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे.